तुम जलम 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 जल तो पेंतम मार्यंतु। जैसे ही काला साया मंत्र पूरा पढ़ता है, उसके दोनों हाथों में से पानी की मजबूत बौछार निकलने लग जाती है, जो तेजी के साथ कामेश्वरी की तरफ जाने लग जाती है। कामेश्वरी भी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, महादेवाय एतद् जलवृष्टिम् निवर्तयतुम्। जैसे ही कामेश्वरी का मंत्र पढ़ना पूरा होता है, उसके हीरे में से लाल रोशनी निकलने लग जाती है। कामेश्वरी के हीरे से निकलती रोशनी और काले साए के हाथ में से निकलते पानी की बौछार आपस में टकराने लग जाती है। सभी की निगाहें कामेश्वरी और काले साए पर टिक गई थी। कामेश्वरी के हीरे से लाल रोशनी और काले साए के हाथों से पानी की बौछारें लगातार निकलते जा रही थी और एक दूसरे से टकराते जा रही थी। देखते ही देखते पानी की बौछार कामेश्वरी के पास पहुंचने लग जाती है और अगले ही पल उसके ताज में जो लाल हीरा लगा हुआ था उस पर एकदम हल्की सी दरार आ जाती है। ये देखकर काला साया मुस्कुराने लग जाता है। काला साया हंसते हुए कहता है, क्या कहा था तूने कामेश्वरी कि मैं तेरे सामने एक पल भी नहीं टिक पाऊंगा। अब बता कौन नहीं टिक पा रहा है, दिख गई तुझे तेरी औकात। कामेश्वरी गुस्से के साथ मंत्र पढ़ती है, महादेवाय तस्मात् सर्वम् जलम् शोषयन्तु। जैसे ही उसका मंत्र पढ़ना पूरा होता है, लाल रोशनी तेज हो जाती है और वो पानी की बौछार को कम करने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाल रोशनी सारे पानी को अपने अंदर सोख रही हो। ये देखकर जो खुशी भक्षानर के चेहरे पर आई थी वो गायब होने लग जाती है। वो घबराने लग जाता है। देखते ही देखते भक्षानर की आंख में जो पानी की बूंद का निशान था वो मिटने लग जाता है। ये इस बात का संकेत था कि भक्षानर के पास की पानी की शक्ति कम हो रही थी और ये बात भक्षानर भी जान गया था। काला साया मन में सोचने लग जाता है, मुझे कुछ और करना होगा, अपनी अगली शक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे ही काले साए की पीली आंख में से पानी का निशान पूरी तरह से मिट जाता है, उसके हाथों से पानी निकलना बंद हो जाता है। ताज की लाल रोशनी भी वापस से कामेश्वरी के ताज में लगे लाल हीरे में चली जाती है। कामेश्वरी कहती है, मैंने कहा था ना भक्षानर, तू मेरे सामने नहीं टिक सकता है। तू मेरे लिए वो कीड़ा है जिसे मैं अपनी चींटी उंगली से मसल कर रख दूं। कामेश्वरी की बात सुनकर काले साए का गुस्सा बढ़ने लग जाता है और अगले ही पल वो फिर मंत्र पढ़ते हुए बोल पड़ता है, भस्मम कृत्वा दहतुम। इसी मंत्र के साथ काले साए के दोनों हाथों में से आग के बड़े बड़े गोले बौछारों के रूप में निकलने लग जाते हैं, जो कामेश्वरी की तरफ जाने लग जाते हैं। कामेश्वरी उसी वक्त मंत्र पढ़ती है, पर इस बार उसके ताज में से लाल रोशनी नहीं निकलती है, बल्कि वो पानी निकलने लग जाता है जो उस ताज की शक्ति ने सोख लिया था। आग और पानी आपस में टकराने लग जाते हैं। कामेश्वरी और काला साया दोनों लगातार मंत्र पढ़ते रहते हैं और देखते ही देखते कामेश्वरी काले साए पर भारी पड़ने लग जाती है। कामेश्वरी काले साए की आग की शक्ति को भी खत्म करने लग जाती है। ये देखकर भक्षानर घबराने लग जाता है। उसके चेहरे पर कामेश्वरी के लिए डर पनपते हुए नजर आने लग गया था। अगले ही पल काले साए की आग की पुतली में से आग का निशान भी मिट जाता है। काले साए के हाथों में से आग निकलना भी बंद हो जाता है। कामेश्वरी ने अपने ताज की शक्ति से काले साए की आंख के अंदर के आग के निशान को मिटा तो दिया था, पर उस वजह से उसके हीरे पर एक और दरार आ गई थी, जो इस बार काफी बड़ी थी, जो दूर से ही नजर आ रही थी, जिस पर काले साए की नजर भी पड़ गई थी। काला साया मन में सोचता है, सिर्फ मैं ही कमजोर नहीं पड़ रहा हूँ, ये कामेश्वरी भी कमजोर पड़ रही है, बस कुछ देर और फिर मैं इसे हरा दूंगा। इतना कहकर काला साया फिर मंत्र पढ़ते हुए कहता है, व्याघ्र शक्ति तस्य उपरी आक्रमणम करोति। इतना कहते ही काले साए के हाथों में से हवा के तेज झोंके निकलने लग जाते हैं। कामेश्वरी भी मंत्र पढ़ती है और ताज के हीरे के अंदर से ही एक तरफ से आग निकलती है तो एक साइड से पानी, और दोनों एक साथ उस हवा के झोंके से जाकर टकराने लग जाते हैं। काला साया भी मंत्र पढ़ने लग जाता है और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते जा रहा था, हवा का झोंका एक बड़े से बवंडर का रूप लेने लग गया था। इतने बड़े बवंडर का कि कामेश्वरी खुद उस बवंडर के सामने छोटी लगने लग गई थी। वो आग और पानी भी उस बवंडर के सामने कुछ नहीं लग रहे थे। देखते ही देखते वो बवंडर कामेश्वरी के पास आने लग जाता है और कामेश्वरी उस बवंडर के अंदर समा जाती है, खुद उस बवंडर के अंदर घूमने लग जाती है, जिस कारण वो मंत्र ही नहीं पढ़ पाती है और उसके ताज में से आग और पानी की शक्ति निकलना बंद हो जाती है। कामेश्वरी बवंडर के अंदर गोल गोल घूमने लग जाती है। ये देखकर काला साया हंसने लग जाता है। उसे अपनी जीत दिखने लग जाती है, पर तब भी वो मंत्र पढ़ते रहता है।
काले साए के अंदर जितनी भी हवा की शक्ति थी वो उस बवंडर के अंदर झोंकने लग जाता है। उसकी आंख के अंदर से वो बवंडर का निशान भी धीरे धीरे मिटने लग गया था। कामेश्वरी को बवंडर में फंसा हुआ देखकर बाकी सबकी टेंशन बढ़ जाती है। यामिनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी माँ की मदद करे, और युग की शक्तियां तो वैसे ही जा चुकी थी। अभिमन्यु भी घायल ही था। डायना की नजर काफी देर से उसके हीरे के ऊपर थी जिसे वो पाना चाहती थी। वो समझ जाती है कि हीरा पाने का यही सही मौका था, क्योंकि काले साए का ध्यान कामेश्वरी के ऊपर है। डायना मन में सोचती है, मुझे कामेश्वरी जी की मदद करनी होगी इस भक्षानर को मारने में। डायना के पीछे ही अगल बगल दो मुर्दे भाला लेकर खड़े हुए थे, ताकि वो जरा सी भी होशियारी दिखाए तो वो डायना को मार दे। डायना गुस्से के साथ कहती है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। डायना अगले ही पल अपनी पूरी ताकत के साथ अपने एक एक पैर उसके पीछे खड़े मुर्दों के पंजों पर मारती है, और उन्हें चकमा देकर हरा हीरा लेने के लिए उसके पास भागने लग जाती है। डायना को ऐसा करते देख अभिमन्यु, युग, यामिनी, कछुआ, कायर और बिंदु का ध्यान भी उस पर चले जाता है। अभिमन्यु डायना से कहता है, रुको डायना, भागो मत। डायना अभिमन्यु की एक नहीं सुनती है, हीरा लेने के लिए भागते रहती है। डायना हीरे के पास पहुंच पाती उससे पहले ही काले साए की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस कारण वो मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। काला साया गुस्से के साथ कहता है, डायन मुझसे होशियारी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डायना उस हरे हीरे के पास पहुंच जाती है। डायना उसे छूने के लिए अपने दोनों बंधे हुए हाथ आगे बढ़ाई रही थी कि तभी काला साया अपना एक हाथ लंबा करता है, और वो हाथ सीधे जाकर डायना की चोटी पकड़ लेता है और उसे हीरे से दूर खींचने लग जाता है। डायना दर्द से कराती है, आह आह। अभिमन्यु चीखते हुए कहता है, भक्षानर छोड़ मेरी डायना को। इतना कहकर अभिमन्यु डायना की तरफ भागने लग जाता है, पर उसके पीछे खड़े मुर्दे उसके सिर पर गदा दे मारते हैं, जिस कारण वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लग जाता है और वो दोबारा उठ नहीं पाता है। अभिमन्यु जमीन पर पड़े पड़े ही तड़पने लग जाता है। डायना के पास जाने की कोशिश तो करता है, पर जा नहीं पाता है। अभिमन्यु डायना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए दर्द से कराहते हुए कहता है, मेरी डायना को छोड़ दे भक्षानर। काला साया गुस्से के साथ कहता है, अब छोड़ूंगा नहीं, सीधे मारूंगा। मेरे हाथ में इसकी चोटी नहीं बल्कि इसकी जान है। आखिर एक डायन की जान उसकी चोटी में ही तो होती है। इतना कहकर काला साया अपना दूसरा हाथ भी लंबा करता है, जमीन पर रखी कुल्हाड़ी को उठाता है और खच से उस कुल्हाड़ी से डायना की चोटी को काट देता है। डायना दर्द से तड़पते हुए कस कर चीखती है, आह! डायना की चीख सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। उसकी ये चीख करीब 2 मिनट तक आसमान में गूंजती रहती है, और जैसे ही उसकी चीख की गूंज कम होती है, उसकी चोटी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, और उसकी चोटी के गिरने के साथ ही उसका शरीर भी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। डायना का मुंह अभिमन्यु के मुंह की तरफ हो जाता है। अभिमन्यु रोते हुए चीख पड़ता है, डायना। अभिमन्यु के पीछे पीछे यामिनी, युग, कछुआ, कायर, बिंदु सब चीख पड़ते हैं, पर वो जानते थे कि उन्हें काफी देर हो चुकी थी। भक्षानर डायना को मार चुका था, पर मरते हुए भी डायना अभिमन्यु की तरफ ही देखे जा रही थी, जैसे वो अभिमन्यु का चेहरा देखते हुए मरना चाहती हो। यही उसकी आखिरी ख्वाहिश हो। उसकी आंखों में अभी भी अभिमन्यु के लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था, वो प्यार जो मरते वक्त भी कम नहीं हुआ था। अभिमन्यु भी रोते हुए डायना की तरफ देखते रहता है। वो उठकर डायना के पास जाना चाहता था, पर सिर पर चोट लगने के कारण वो उठ ही नहीं पा रहा था। वो अपने प्यार को आंखों के सामने मरते हुए देख रहा था, वो प्यार जिससे वो शादी करना चाहता था, जिसके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता था, वो प्यार अब उससे जुदा हो रहा था। अभिमन्यु भी रोते हुए डायना की तरफ देखते रहता है। वोट कर डायना के पास जाना चाहता था, पर सिर पर चोट लगने के कारण वो उठ ही नहीं पा रहा था। वो अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा था, वो प्यार जिससे वो शादी करना चाहता था, जिसके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता था, वो प्यार अब उससे जुदा हो रहा था। देखते ही देखते डायना की आखिर दिल की धड़कनें थम जाती हैं, और अभिमन्यु की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। वो बिलक बिलक कर रोने लग जाता है। सिर्फ अभिमन्यु ही नहीं, बल्कि बाकी सब भी रोने लग गए थे। डायना की इस मौत ने सबको तोड़ कर रख दिया था। डायना की चोटी जो कटकर अभी भी सिर कटे हुए सांप की तरह रेंगते हुए झटपटा रही थी, उसकी झटपटाहट बंद हो जाती है, और अगले ही पल डायना की चोटी अपने आप जलकर खाक हो जाती है। उसी के साथ डायना का शरीर भी जलकर राख हो जाता है। काले साए के हाथ वापस से छोटे हो जाते हैं। काला साया हंसते हुए कहता है,
मर गई डायन, मर गई। अब तुम सब भी मरोगे। अभिमन्यु गुस्से के साथ कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा भक्षानर। इतना कहकर अभिमन्यु उठने की कोशिश तो करता है, पर अगले ही पल धड़ाम से फिर जमीन पर गिर जाता है। काला साया हंसते हुए फिर बोल पड़ता है, एक डायन की मौत का इतना दुख कि मुझसे लड़ने चला है। अभिमन्यु गुस्से के साथ ही बोल पड़ता है, वो डायन नहीं मेरा प्यार थी, वो प्यार जो तूने मुझसे छीन लिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। काला साया हंसते हुए कहता है, पहले अपने पैरों पर खड़े तो हो जा डायन के प्रेमी, फिर मुझे मारना। अभिमन्यु फिर उठने की कोशिश करता है, पर फिर नहीं उठ पाता है। इधर कामेश्वरी अभी भी बवंडर के अंदर फंसी हुई थी, पर डायना की चीख सुनकर वो समझ गई थी कि डायना अब इस दुनिया में नहीं रही थी। इस बात का जैसे ही उसे एहसास होता है, कामेश्वरी को भी गुस्सा आने लग जाता है। वो और तेजी के साथ मंत्र पढ़ने लग जाती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और देखते ही देखते वो बवंडर छोटा होने लग जाता है। कामेश्वरी उस बवंडर की हवा को भी अपने ताज में खींचने लग जाती है। जब काला साया बवंडर को छोटा होते हुए देखता है, तो वो समझ जाता है कि उसकी बवंडर की शक्ति भी खत्म होने वाली है। अगले ही पल उसकी आंख की पुतली से बवंडर का निशान भी मिट जाता है। अब उसकी आंख में बस एक निशान बचा हुआ था, वो था इन्फिनिटी का, यानी जीवन मरण चक्र का। काला साया मन में सोचने लग जाता है, मेरे पास तो अब बस जीवन मरण की शक्ति बची हुई है, पर इस शक्ति का उपयोग करने के लिए मुझे किसी के शरीर की जरूरत पड़ेगी। मुझे उसका रूप लेना होगा, उसे मारना होगा, तभी मेरा एक नया जन्म होगा। सिर्फ नया जन्म नहीं होगा, बल्कि पानी, आग और बवंडर की जो शक्ति मेरे पास से चली गई है, वो शक्ति भी वापस आ जाएगी और फिर मैं इस कामेश्वरी से लड़ूंगा। पर मैं शरीर किसका लूं? काला साया युग की तरफ देखते हुए कहता है, मन तो कर रहा है इस युग का ही शरीर ले लूं, पर इसका रूप लेना भारी पड़ सकता है। वो मुझे इतनी आसानी से अपना रूप नहीं देगा, और ये कायर और कछुआ भी मेरे सेवक रह चुके हैं, तो वो उतने काम के नहीं, उनका शरीर वैसे ही कमजोर है। अगले पल काले साये की नजर अभिमन्यु पर पड़ती है, जो उठने के लिए तड़प रहा था। काला साया अभिमन्यु को देखते हुए कहता है, इस डायन के आशिक का शरीर लेता हूं, बहुत प्यार करता है ना अपनी प्रेमिका से, आज इसे भी मारकर इसकी प्रेमिका के पास ही भेज दूंगा। काला साया तुरंत अभिमन्यु के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, तू लड़ना चाहता था ना मुझसे, आ लड़। इतना कहकर काला साया अभिमन्यु के हाथ जो काले धुएं की रस्सी से बंधे हुए थे वो खोल देता है। अभिमन्यु जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा होता है, गुस्से के साथ मुक्का काले साये को मारने लग जाता है। वो मुक्का काले साये पर पड़ता, उससे पहले ही काला साया अभिमन्यु का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में एक टक देखने लग जाता है। देखते ही देखते काला साया अभिमन्यु का रूप लेने लग जाता है। अभिमन्यु के चेहरे की स्किन काली पड़ने लग जाती है। ये देखकर युग, यामिनी और बाकी सब घबरा जाते हैं। युग दर्द से कराहते हुए कहता है, मेरे दोस्त को छोड़ दे भक्षानर, छोड़ मेरे दोस्त को। काला साया हंसते हुए ही अभिमन्यु का रूप लेते रहता है। अभिमन्यु के चेहरे से उसके पार्टिकल निकलते रहते हैं और काले साये के चेहरे पर जाने लग जाते हैं। अभिमन्यु का रूप काले साये को मिलने लग गया था। अभिमन्यु कस कस कर दर्द से कराहे जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हो। उसकी आंखों के सामने बार बार डायना का चेहरा नजर आने लग गया था। जैसे जैसे काला साया अभिमन्यु का रूप लेते जा रहा था, उसकी आंखों से वो आधा इन्फिनिटी का निशान भी मिटने लग गया था। उसी के साथ अभिमन्यु के दिल की धड़कन भी कम होने लग गई थी। काला साया अभिमन्यु का रूप ले पाता, उससे पहले कामेश्वरी अपनी शक्तियों से बवंडर को पूरी तरह नष्ट कर देती है। पर उसी के साथ उसके ताज में लगे लाल हीरे पर एक और दरार आ जाती है। कामेश्वरी सीधे अभिमन्यु और काले साये के पास आ जाती है। वो अभिमन्यु को झटके के साथ काले साये से दूर करती है और एक हाथ से अभिमन्यु का हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से काले साये का। काला साया कुछ कर पाता, उससे पहले ही कामेश्वरी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए काले साये ने अभिमन्यु का जितना भी रूप लिया था वो रूप वापस से काले साये से छीनने लग जाती है और अभिमन्यु को लौटाने लग जाती है। कामेश्वरी एक हाथ से काले साये से अभिमन्यु का लिया हुआ रूप छीन रही थी, तो दूसरे हाथ से अभिमन्यु को उसका रूप वापस लौटा रही थी। काला साया चीखने लग जाता है, वो छटपटाता है, छूटने की कोशिश करता है, पर कामेश्वरी की मजबूत पकड़ से छूटने में असफल रहता है। अभिमन्यु को वापस से उसका रूप मिल जाता है और भक्षानर भी वापस से काले साये में बदल जाता है। जैसे ही ये होता है, काले साये की आंख से चौथा आखिरी इन्फिनिटी का निशान भी मिट जाता है। उसी वक्त कामेश्वरी अभिमन्यु का हाथ छोड़ती है और काले साये को अपनी पूरी ताकत के साथ धक्का देती है।
काला साया पास में ही मौजूद पेड़ से जाकर टकराकर धड़ाम से गिर जाता है। कामेश्वरी ने अभिमन्यु को मरने से तो बचा लिया था, साथ ही वो चौथा निशान भी मिटा दिया था, पर उसी के साथ उसके ताज में लगे हीरे पर एक और दरार आ गई थी। उसे खुद थकान महसूस होने लग गई थी। कामेश्वरी हांफते हुए भक्षानर को ललकारते हुए कहती है, उठ भक्षानर, उठ, अभी तो मैंने बस तेरी सारी शक्तियां खत्म की हैं, अभी तो मुझे तुझे भी खत्म करना है। काला साया अपनी जगह पर से उठते हुए हंसी के साथ कहता है, ये तू किस धोखे में जी रही है कामेश्वरी, तूने मेरी सारी शक्तियां खत्म नहीं की, तूने तो बस मेरी काली शक्तियां खत्म की है। मेरे अंदर दैवीय शक्ति तो अभी भी बची हुई है, वो दैवीय शक्ति जो मैंने तारा से छीनी थी, उनसे मुकाबला कैसे करेगी तू, तू तो अभी से थकने लगी। कामेश्वरी चुप ही रहती है। काला साया फिर बोल पड़ता है, और अगर तू मेरे अंदर की दैवीय शक्ति से भी लड़ गई तो मेरी सेना से कैसे लड़ेगी। इसी के साथ काला साया इशारा करता है और देखते ही देखते ढेर सारे जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कामेश्वरी जब अपने चारों तरफ नजरें घुमाती है तो देखती है कि चारों तरफ से ढेर सारे जंगली और अजीबोगरीब जानवर आ रहे थे, जिनमें कुछ कब्र बिच्छू थे, तो कुछ वैम्पायर फिंच थी, तो कुछ जंगली सांप, तो कुछ नेकेड मोल, कुछ रेड गेलाड़ा, कुछ बबून, ऐसे ही कई सारे अजीबोगरीब जानवर थे। सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि फॉकर सफीरा जैसे ड्रैगन भी थे, जिनके ऊपर मुर्दे बैठे हुए थे जो उन्हें चला रहे थे। जितनी संख्या में वहां पर जंगली जानवर मौजूद नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा संख्या में वहां पर मुर्दों की सेना भी चलते हुए आ रही थी, उनके साथ जिसकी तादाद करीब 30,000 होगी। हर तरफ मुर्दे ही मुर्दे नजर आ रहे थे। यामिनी उन जंगली जानवरों को देखते हुए मन में सोचती है, ये तो वैसे ही जानवर लग रहे हैं जिनका जिक्र पलक ने किया था, जो उसे औषधि पहाड़ी की गुफा के अंदर मिले थे। काला साया फिर बोल पड़ता है, कैसी लगी मेरी सेना कामेश्वरी तुझे, आ अब लड़ मुझसे और मेरी सेना से। आखिर इसी दिन के लिए तो मैंने इन्हें औषधीय पहाड़ी की गुफाओं में पाला था। ये कुछ जानवर तो इसी लोक के हैं जो अब मेरे वश में हैं, पर बाकी मैंने अपनी काली शक्तियों से बनाए हैं तेरा अंत करने के लिए। उन जानवरों को देखकर कामेश्वरी भी घबराने लग गई थी। वो खुद अपने कदम पीछे हटाने लग गई थी। उसके समझ नहीं आ रहा था वो किससे लड़े, भक्षानर से या फिर उसकी इतनी बड़ी जंगली जानवर और मुर्दों की सेना से। युग और यामिनी दोनों के हाथ बंधे हुए थे, जिस कारण वो उनकी भी मदद नहीं ले सकती थी, और मदद ले भी तो कैसे। युग तो पहले ही अपनी शक्तियां खो चुका था और वो यामिनी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अभिमन्यु भी दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा हुआ था, और रही कायर कछुआ और बिंदु की बात, तो वो तीनों तो डर के कारण कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। काला साया कामेश्वरी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, तू तो डर गई कामेश्वरी, आ लड़ ना मुझसे, आ मार मुझे। कामेश्वरी घबराहट के साथ ही अपने कदम पीछे खिसकाती रहती है। काला साया अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। कामेश्वरी को अपने कदम पीछे खींचते हुए देख सबकी उम्मीद टूट जाती है। हर किसी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। कामेश्वरी अपने कदम पीछे खींची रही थी कि तभी आसमान के ऊपर जो सुनहरा द्वार बना हुआ था उसमें हलचल होने लग जाती है। वो द्वार तेजी के साथ एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लग जाता है जो कि कुछ देर पहले स्थिर था। सभी की नजर आसमान में मौजूद उस सुनहरे द्वार की तरफ चली जाती है। काला साया भी सुनहरे द्वार में हलचल होते हुए देख दंग रह जाता है। काला साया परेशान होते हुए कहता है, ये सुनहरा द्वार अपने आप कैसे हिल रहा है, मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया। काले साय ने इतना कहा ही था कि तभी ढेर सारे हाथियों और घोड़े के कदमों की आहट आवाज सुनाई देने लग जाती है, और वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि सुनहरे द्वार से ही आ रही थी। अगले ही पल उस सुनहरे द्वार में से बड़ा सा रथ निकलकर सामने आता है। वो रथ जिसमें 7 उड़ने वाले घोड़े बंधे हुए थे, जिस पर कोई और नहीं बल्कि रज्जन सवार था। रज्जन के पीछे ही कई सारे हाथी घोड़े आने लग जाते हैं, जिन पर कई सारे यक्ष सवार थे, जिनके हाथों में तलवार भाले तीर कमान गदा थी। देखते ही देखते उस सुनहरे द्वार में से यक्षों की विशालकाय सेना निकलती है, उतनी विशाल कि वो काले साये की मुर्दों और जंगली जानवरों की सेना का सामना कर सके। रज्जन और उसके पीछे मौजूद सेना को देखकर कामेश्वरी समझ जाती है कि रज्जन पृथ्वी लोक से भागा नहीं था, बल्कि अपनी सेना को लेने के लिए यक्षिण लोक गया था, क्योंकि चैटर्जी के अंतिम संदेश से वो समझ गया था कि चैटर्जी ने बस काले साये की सेना की एक टुकड़ी को खत्म किया है, असली सेना तो बची हुई थी, और ये बात काले साये ने ही चैटर्जी से कही थी। इसलिए रज्जन अपनी सेना को लेने के लिए यक्षिण लोक गया था, पर जब तक रज्जन यक्षिण लोक पहुंचा था, सारी यक्षिणियों को कैद करके काला साया वहां से जा चुका था,
और वहां पर जाकर रज्जन को पता चल गया था कि सारा मामला क्या था। रज्जन कामेश्वरी से कहता है, तुम अब अकेली नहीं हो कामेश्वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा सेनापति तुम्हारी सेना को लेकर आ गया है, जाओ और जाकर आक्रमण करो, मार दो इस भक्षानर को। रही बात इसकी सेना की तो उसे मैं संभालता हूँ। रज्जन की ये बात सुनकर कामेश्वरी के अंदर वापस से जज्बा पैदा होने लग जाता है और वो अगले ही पल काले साये से फिर से लड़ने लग जाती है। कामेश्वरी के ताज से लाल रोशनी निकलती है और काले साये की आंखों से निकलती हुई पीली रोशनी से टकराने लग जाती है। रज्जन भी अपनी यक्षों की सेना को निर्देश देने लग जाता है और काले साये की मुर्दों और जंगली जानवरों की सेना से लड़ने लग जाता है। काले साये की सेना के कुछ जंगली जानवर आसमान में उड़ रहे थे, जिस कारण रज्जन को रथ पर सवार होकर आसमान में ही उनसे लड़ना पड़ रहा था। वो अपनी तलवार से एक के बाद एक जानवर को मारकर जमीन पर गिराया जा रहा था। इस तरफ कामेश्वरी और काला साया फिर से लड़ने लग गए थे। कामेश्वरी हर कोशिश कर रही थी काले साये से उसकी दैवीय शक्ति छीनने की, पर काले साये के पास वो दैवीय शक्ति थी जो तारा की थी, जिसे छीनना उसके लिए आसान नहीं था। काला साया कामेश्वरी से लड़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर आसमान में मौजूद चांद पर पड़ती है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि पूर्णिमा जल्द ही खत्म होने वाली थी। काला साया मन में सोचता है, मुझे जल्द ही कामेश्वरी को कैद करना होगा, पूर्णिमा खत्म होने वाली है और पूर्णिमा खत्म होने से पहले कैसे भी करके आज रात ही कालगढ़ बनाना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं मंजिल के इतने करीब आकर उसे खो नहीं सकता। काला साया गुस्से के साथ कामेश्वरी को घूरते हुए मन में सोचता है, अगर इस कामेश्वरी से ऐसी शराफत के साथ लड़ता रहा तो पूरी रात बीत जाएगी, पर मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। मुझे इसके साथ छल करना ही होगा, तभी यह हारेगी। काला साया सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, कैसे कामेश्वरी को हराए। तभी उसकी नजर कामेश्वरी के ताज पर पड़ती है और वो नोटिस करता है कि अब तक कामेश्वरी ने लड़ाई में उससे जितनी भी शक्तियां छीनी थी उस ताज की वजह से छीनी थी। उसके ताज में ही उसके आधे से ज्यादा शक्तियां थी, उसी की वजह से वो काले साये पर भारी पड़ रही थी। काला साया जानबूझकर अपनी आंखों से निकलती हुई पीली रोशनी को कम करता है और नीचे देखने लग जाता है, जिस कारण कामेश्वरी को लगता है कि काला साया हारने लग गया है। कामेश्वरी ने अभी एक चैन की सांस अपने सीने के भीतर भरी ही थी कि तभी काला साया नीचे झुकते हुए फिर अपनी आंखों से पीली रोशनी निकालता है और चकमा देते हुए जमीन पर से वापस से कुल्हाड़ी उठाता है और उसे कामेश्वरी की तरफ फेंक मारता है। कामेश्वरी जब तक समझ पाती कि उसकी तरफ काले साये ने क्या चीज फेंकी थी, तब तक वो कुल्हाड़ी ताज के हीरे से जाकर टकरा चुकी थी और उसी टकराहट के कारण कामेश्वरी का ताज उसके सिर से गिर जाता है। जैसे ही वो ताज गिरता है, उसमें जो लाल हीरा लगा हुआ था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कामेश्वरी कुछ करती उससे पहले काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणा प्रचोदयात। मंत्र खत्म होते ही कामेश्वरी बिजली की शक्ति की बनी हुई बॉटल के अंदर कैद हो जाती है। ये सब काले साये ने इतनी फुर्ती के साथ किया था कि कामेश्वरी कुछ समझ ही नहीं पाई थी। कामेश्वरी बॉटल तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है पर नहीं निकल पाती है। रज्जन आसमान में ही मुर्दों की सेना से लड़ने में इतना उलझ जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि नीचे क्या हो रहा था। वो तो खुद चारों तरफ से जंगली जानवरों और मुर्दों से घिरा हुआ था। काला साया हंसते हुए कहता है, आखिर तू कैद हो ही गई कामेश्वरी। यामिनी रोते हुए चीखती है, माँ सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।